यहाँ पे हमने FTIM में हमने जो पढ़े थे वहाँ सिनेमाटोग्राफी जो डिस्कस जो डिसिप्लिन था उसी का जिस तरीका से हमने हमको शिक्षा मिला फिल्म इंस्टीट्यूट में उसका तो हम बहुत आभारी हैं। एंड मगर ये जब हम इंडस्ट्री में आए इंस्टीट्यूट से हम जब इंडस्ट्री में आए सिनेमाटोग्राफी तो हमने सीख लिए थे मगर उसको किस तरीक़े से हम उसको अप्लाई करें ये हमारा मन में एक द्वंद्व था क्योंकि हम किसी को नहीं जानते थे हमारा कोई जान पहचान ऐसा नहीं था तो हमने सोच रहे थे क्या करें तो ऐसे सोचते सोचते छोटे छोटे फिल्म हमने शुरू किए जैसे एडवर्टाइजिंग फिल्म जो होते हैं एक मिनट का 30 सेकंड का जो फिल्म बनते हैं वही हमने किए। ऐसा करते करते सडनली ऐसे भगवान के शायद कोई ऐसा ब्लेसिंग्स हो गए जो एक फिल्म मेकर अवतार कौल बोलकर वो आए अवतार कौल उन्होंने आकर मुझे ऐसा बताया जो उनका पास एक स्क्रिप्ट है वो FFC को अप्लाई किए फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो अभी NFDC हुआ है तो वो हमने अप्लाई किए हैं और हम चाहते हैं आप इसका सिनेमाटोग्राफी कीजिए। तो मैं उस टाइम पे भी मेरे मन में इंस्टीट्यूट का साथ एक प्रभाव था मेरे ऊपर मैं सोचा जब मैं किसी के अंडर में काम नहीं करूँगा और इसका कारण ये था जो समाउ द आई थॉट दैट नथिंग आई एम गोइंग टू लर्न मच इन द एग्जिस्टिंग स्टाइल ऑफ वर्क दैट इज बीइंग डन इन द इंडस्ट्री। तो मैं बोला मैं खुद को जो करना चाहता हूँ वो मैं खुद अपने आप सीखना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं था जहाँ पे किसी के अंडर काम करके मैं सीखूँ एंड इसीलिए मैंने किसी के साथ काम नहीं किया था। और ये सब्जेक्ट जब लेकर आए मेरे मन में आया कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं कैसे कर सकता हूँ या नहीं फिर भी मैं बोला मैं आपका स्क्रिप्ट पढ़ना चाहता हूँ तो उन्होंने स्क्रिप्ट मुझे दिए एंड स्क्रिप्ट पढ़कर मुझे एक डिफरेंट काइंड ऑफ ए फीलिंग आई गॉट आई टोल्ड दिस इज अ ट्रेमेंडस सब्जेक्ट बट इसको चाहिए एक वेरी मैच्योर सिनेमाटोग्राफर टू डू द टू परफॉर्म दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं सोचा मैंने कहा लेट मी ट्राई व्हाई कांट आई डू इट। सो मैं पूछा उनसे मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए एंड मैं सोचना चाहता हूँ कि किस ढंग से किस तरीक़े से मैं इसको फोटोग्राफ कर सकता हूँ तो मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ आपका जो द कंटेंट है एंड जो द राइटर थे रमेश बख्शी उनका सब्जेक्ट के ऊपर ये बनाए थे सताइस डाउन उनका टाइटल था सताइस डाउन। तो इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में सब सीन्स लिखा गया था तो मैं बोला वो मैं उनको पूछा कि आप किस तरीक़े से शूटिंग करना चाहते हैं क्योंकि ये भी एक टेक्निक होता है जो पहले से ही आपको सोचना पड़ता है और जो टेक्निक आप यूज़ करेंगे वो जिस तरीक़े से इमेज को एक आधार देगा द क्वालिटी द टोन द वैल्यू ऑफ द इमेज वो जिस तरीके से होगा उसी को वो जैसे जस्टिफाई कर सकता है जो आपका जो कहना चाहते हैं ऑडियंस को कहना चाहते हैं। तो बोला तुम बोलो तुम्हारा डिपार्टमेंट ये है तुम खुद बोलो कैसे शूट करना चाहते हैं। तो मैं बोला जो देखिए मुझे लगता है ये फिल्म को ज़्यादातर ब्लॉक लेंस में हम शूट करेंगे। अच्छा तो बोले ब्लॉक लेंस में कैसे मैं तो टेली लेंस के साथ सोचा था लंबे लेंस के साथ तो हमारा बहुत से सीन जो क्राउड का अंदर है स्ट्रीट में है और आप ब्लॉक लेंस में करेंगे तो मुझे क्लोजअप लेने है तो आप उनके पास जाकर आपको लेना पड़ेगा तो लोग आपको देख लेंगे पता लग जाएगा तो क्राउड हो जाएगा तो ये कैसे करेंगे। मैं बोले देखिए व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेक द ब्लॉक लेंस बिकॉज द नेचर ऑफ इमेज दैट वी वांट टू क्रिएट द अर्ली इमेज दैट वी वांट टू क्रिएट द क्रिस्पनेस द स्टार्कनेस बिकॉज द होल फिल्म इज वेरी रियलिस्टिक एंड उसी को किस तरीके से हम इमेज के जरिए से हम उसको दिखा सकते हैं वो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चैलेंज है। तो पहले आप खुद एक्नॉलेज करिए कीजिए कि हम इस तरीके से हम शूट करेंगे उसके बाद जो प्रॉब्लम है देन वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो फर्स्ट आपने डिसाइड कीजिए ये आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। तो
तो बोले ये तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, आप कैसा करेंगे? मतलब आप पहले एक्सेप्ट तो कीजिए, तब जाकर हम सोचेंगे किस तरीके से करना है। तो बोले ठीक है, आइडियली अप्रूव होना चाहिए डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर। तो अगर ठीक है, आप कीजिए जो आपका दिल में आता है वो कीजिए। हाँ, हाँ। मुझे मगर चाहिए जो जिस तरीके से शॉट करना है। मतलब ठीक है, मगर उसका अंदर एक अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। आप डायरेक्टर हैं, मैं सिनेमाटोग्राफर हूँ, तो मैं आपके साथ एक हारमोनियस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहता हूँ, जिस वजह से आपको पता होना चाहिए ये सीन, ये शॉट किस तरीके से लेना है और किस तरीके से जो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, तो दोनों का सपोर्ट से ही हम ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पूरा फिल्म हमने ब्लॉक लेंस में शूट किए और पूरा फिल्म हमने हैंडहेल्ड में 75% ऑफ द फिल्म वाज शॉट ऑन हैंडहेल्ड, जो पहले बार किसी ने किया ही नहीं था फिल्म। मगर ये मैंने सोचा नहीं था, ये तो मेरे दिल से मैंने दिमाग में आया जे ना ना हम हैंडहेल्ड ही शूट करें, क्योंकि ट्राइपॉड लेकर शूट करें तो लोग एवरीबॉडी विल बी वॉचिंग अस। सही बात। तो जो कैमरा अटेंडेंट थे तो बोले सर हम आपके साथ चले, मतलब तुम चलोगे तो तुम मेरा केबल कनेक्शन दिखाई पड़ेगा, लोगों का पता लगेगा ये क्या हो रहा है, तो आप मुझे ऐसा कीजिए मैं सेल्फ कंटेंट कम्प्लीटली। मैं बैटरी एक हैंग कर रहा था, जो बैटरी वेरी हैवी बैटरी था, वो जो ओरिजिनल एरीफ्लेक्स का जो बैटरी होता है वो उनके पास नहीं था, तो उनका एक गाड़ी में जो बैटरी यूज़ करते हैं वो बैटरी इतना हैवी था, वो लेकर हमने शूट करते थे और कंधे में लगाकर मैंने घंटे पर ऐसा घूमता रहता, क्योंकि कोई भी चीज़ उसी टाइम पे हम कुछ डिफरेंट एक्शन किए करते हैं तो लोगों को पता लगेगा। हाँ। तो लोगों को किस तरह से पता नहीं होना चाहिए और शॉट हमको लेना चाहिए, तो एक्टर के साथ हमारा बातचीत पहले से ही हो जाता था, एक्ट्रेस के साथ भी हमारा पहले ही बात हो जाता था, और किस सिचुएशन में किस लोकेशन में करना है ये सब पता कर हम रेडी करके था। डायलॉग सब आप एक्टर को पूरा पूरा दिमाग में रखते थे और मैं उनको थोड़ी सी इंडिकेशन देता हूँ तो उन्होंने शुरू करते हैं एक्टिंग और मैं कवर कर लेता हूँ। इस तरीके से मैं घंटों पर कैमरा लेकर ऐसा घूमता रहता था, और जैसे बीटी स्टेशन है आप ये देखे होंगे, विक्टर टर्मिनल स्टेशन, उसमें क्राउड इतना क्राउड है, उसमें राखी जैसे हीरोइन उस टाइम पे वो टॉप हीरोइन जैसे होते थे उस टाइम पे, एंड द एक्टर एम के रायना ही वॉज द मेन एक्टर इन द फिल्म, एंड उन्होंने ऐसे घूमते रहते थे, मैं उनको जब मुझे लगता था जे दिस क्राउड इज ओनली कंसर्न अबाउट देयर their way of thinking, they don't look at this way or that way. I thought now is the time, let's take the shot. I used to give the indication, they used to come, I used to take the shot, the dialogue hota tha, khatam hota tha. But before the people could realize, we have finished the scene, they go away, I go away, and then they were, the crowd is again back. ये इस तरीके से हमने shoot किए। तो ये जो film पहली दफा मैंने shoot किया और उसका असर मैंने बाद में देखा, ये लोगों को एक दूसरे तरीका फीलिंग उन्होंने जनरेट किया, बहुत उसके अनुभव होते रहते हैं। तो ये उसने मुझे, मतलब ये मुझे दिमाग में आया जे जो कुछ आप करना चाहते हो उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचने का वक्त देना चाहिए, और सोचने का वक्त इस तरीका से होना चाहिए वो थोड़ा आपके ह्यूमन सेंसिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके साथ डील करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन सेंसिटिविटी एक ऐसा चीज़ है जो खुद को भी पता नहीं होता है कितना आपका अंदर क्या है। तो ये जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो अंदर से ही आप निकलता है, और ये एक दैट्स कॉल्ड द क्रिएटिव अर्ज, और क्रिएटिव अर्ज एक्चुअली इज ए प्रोसेस जिसमें जब क्रिएटिव एस्पिरेशन एक्चुअली ओरिजिनेट्स व्हेन यू ट्राई टू अप्लाई योरसेल्फ टू फाइंड इन टू एक्सप्लोर ट्रूथ। जब ट्रूथ आपका अंदर दिमाग में होना चाहिए, एक तरह का सच्चाई जो रियलिटी में है वो आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं, और उसमें आपका क्रिएटिविटी शुरू होता है। तो ये क्रिएटिविटी अंदर से ही निकलता है, तो आप यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। ये कुछ जैसे इट्स नॉट अ काइंड ऑफ ए मैनिपुलेटिव प्रोसेस, इट्स एक्चुअली इनबोर्न प्रोसेस। तो उसके लिए आप प्रिपेयर होना चाहिए, फिजिकली यू शुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, एंड फिजिकली यू मस्ट बी वेरी स्टेबल, मेंटली यू मस्ट बी वेरी एक्टिव,
एंड ऑल दिस थिंग्स मेक्स अ डिफरेंस इन ब्रिंगिंग यू दिस एलिमेंट. नो ये जिस ह्यूमन सेंसिटिव के बारे में मैं आपको बात बता रहा था, इसका और एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ जो मेरे जिंदगी में एक बहुत से वेरी इन्फ्लुएंस्ड राइट मैं बहुत प्रभावित किया है. ये हमने गांधी फिल्म हमने शूट कर रहे थे सर रिचर्ड एटनबरो, तो उन्होंने मैं तो एक पैनाविजन कैमरा में ऑपरेट कर रहा था और दूसरा ब्रिटिश यूनिट में उन्होंने ऑपरेट कर रहे थे. हमने एक सीन शूट कर रहे थे सफदरजंग एयरपोर्ट दिल्ली में, उसमें लॉर्ड माउंटबेटन का लैंडिंग था. तो वो एक फोकर फ्रेंडशिप प्लेन जो था उस टाइम में पुराना है वहाँ का, उसमें कॉकपिट में एक ब्रिटिश फ्लैग जो फ्लटर होता मैंने मैंने होता था. तो जो उनका जो कैमरा डीओपी जो थे वो एक्चुअली चले गए थे इंग्लैंड, उनका तबीयत ठीक नहीं था. तो उनका नाम था बिली विलियम. तो उनका जो डिप्यूटी था मिस्टर रॉनी टेलर वो उनको डिप्यूट कर रहे थे. तो वो आकर मुझे बताए जे आपको एटनबरो ने बताया है जे आपको ये शॉट लेना है. क्या शॉट लेना है ना, ये जो ब्रिटिश फ्लैग कॉकपिट में है छोटा सा फ्लैग उसका क्लोज टाइट फ्रेम जब प्लेन लैंड करता है आपको शॉट लेना है. माय गॉड, ये तो डिफिकल्ट शॉट है, कैसा मैं कोऑर्डिनेट करूँ उसका प्लेन का स्पीड लैंडिंग फ्लैग कितना फ्रेम में इतना क्लोज में कैसा आएगा, क्योंकि हमको दूर से लेना पड़ता है वो टेली लेंस 600 mm टेली लेंस लगाकर लेना पड़ता है. और जब ब्रिटिश यूनिट थे उनको बोला जाए आपने खाली वाइड शॉट फिक्स वाइड शॉट लेना. तो मैं सोचा कि मुझे क्यों बताए, तो फिर ऐसा मैं सोच रहा था तो मैं मेरा असिस्टेंट ने बताया कि तुम फोकस कर सकते हो, कैन यू डू द फोकसिंग. निकले यस सर आई विल ट्राई, बिकॉज देर वॉज लिटिल बिट डाउट ऑल्सो, बिकॉज इन दैट लेंथी लॉन्ग लेंस द डेप्थ ऑफ फील्ड इज सो लो दैट इट कुड गो आउट ऑफ फोकस इफ इट इज नॉट ऑन द राइट डिस्टेंस. तो वो बोला सर मैं कोशिश करूँगा. उस टाइम रॉनी टेलर ने आकर देख मुझे देखे मेरे ही कुड रीड माई फेस. हो उन्होंने बताया जे आई नो इट्स अ डिफिकल्ट शॉट, ही खुद आई नो इट्स अ डिफिकल्ट शॉट बट उन्होंने चाहते हैं आप ये शॉट लीजिए. तो बोले ठीक है मैं कोशिश करता हूँ. आई वॉज स्टिल वॉन्डरिंग हाउ टू डू इट. द प्लेन वॉज ट्राइंग टू टेक ऑफ, कोई रिहर्सल भी नहीं है, द प्लेन वॉज ट्राइंग टू टेक ऑफ. उस टाइम पे सर रिचर्ड एटनबरो आए, वो जिस तरीके से जिस वॉइस में उन्होंने मेरे साथ बात की वो दैट इज़ कॉल्ड द ह्यूमन टच, वेरी कंपैशनेट एंड सच कंसर्न एंड सच फीलिंग. उन्होंने मुझे पूछे इज इट ओके, आर यू ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग आर यू सेट. एंड तो मुझे एक अजीब का कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया, जो मैंने डाउट में था इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू वेरी कॉन्फिडेंट. एंड देन आई थॉट यस वी कैन डू इट, आई कैंट डू इट. एंड आई वॉज फॉलोइंग दैट प्लेन एंड इट टुक ऑफ, इट टुक ऑफ, इट वेंट टुक ए टर्न एंड देन केम. एज इट वॉज कमिंग आई वॉज गेटिंग रेडी थिंकिंग एज्यूमिंग दैट दैट फ्लैग विल कम इन टू द फ्रेम, बिकॉज द फ्रेम इज अ टाइट फ्रेम एंड इसमें नहीं आएगा तो शॉट इज गॉन. तो मैंने एक अंदाज से जिस तरह जिस ट्रैक में प्लेन गया था उसी अंदाज से मैंने कैमरा को फिक्स रखा और प्लेन लैंड किया. और जैसे लैंड किया उसके बाद सडनली मैंने आंखों में देखा फ्लैग ऐसा ही हवा से हिल रहा है. तो मैं उसको फॉलो किया. जब शॉट खत्म हो गया सब लोग आकर आकर कैसा रहा शॉट कैसा, तो आई टोल्ड दैट प्लीज डोंट आस्क नाउ, बिकॉज उस टाइम पे द काइंड ऑफ कंसंट्रेशन द काइंड ऑफ अटेंशन and the kind of meditative state of mind in which I captured it, after that I didn't realize what I have done it. तो बोला आप रासेस में देखिए, जब रासेस होता है जो फिल्म बाद में प्रिंट होकर आता है, क्योंकि ये नेगेटिव जाता था लंदन एंड नेक्स्ट डे एवरी ऑल्टरनेट डे में प्रिंट होकर लंदन से आता था. और हम अशोका होटल में रहते थे एंड देयर इन ए स्मॉल रूम इट वॉज ए प्रीव्यू थिएटर वॉज में इन दैट वे ऑफ सीइंग. तो नेक्स्ट एवरी ऑल्टरनेट में नेक्स्ट ऑल्टरनेट में बात आया न्यूज़ आया जो राशेस आ गया है चलो देखने के लिए. तो हम शूटिंग ख़त्म करके शाम को जाते थे देखने के लिए. आई वॉज वेरी स्केप्टिक, मेरे पास पता नहीं क्या क्या हुआ है. तो अंदर गए तो शॉट आने लगा, दूसरे सब शॉट सामने लिए थे तो आने लगा. सडनली देखा ये शॉट आ गया,
और इतना शार्प, इतना क्रिस्प एंड एब्सोल्युटली इन द मिडल ऑफ द फ्रेम एंड थ्रू आउट इट इज देयर. वो शॉर्ट फिल्म में है, फिल्म में है. तो मैं सोचा ये मैं तो नहीं लिया, मैं खुद सोचा ये मैंने और किसने लिया. तो मैंने सोचा मिस्टर एटनबरो, सर एटनबरो, जिस तरीके से मैंने साथ आप बात की वो ही इंस्पायर्ड मी. वो फेथ, वो भरोसा जो था वो आपको कॉन्फिडेंट कर गया. वो एक्चुअली ही प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन फिल्म मेकिंग. फिल्म मेकिंग आदमी का अंदर जो ह्यूमन सेंसिटिविटी जो होता है वो सबसे बड़ा चीज़ होता है, और उसको पहचानना भी बहुत मुश्किल होता है. वो पहचान कर आप खुद ऑनेस्ट, इसका मतलब मुझे हाउ ऑनेस्ट आर यू टू योर सेल्फ, तो उसमें आप क्रिएटिविटी का एक न्यू एक्सप्रेशन मिलता है. तो दिस इज हाउ आई लर्न सिनेमेटोग्राफी. बाद में तो कितनी फिल्में, गोधूली, खट्टा मीठा, दूरियां, बातों बातों में, हमारी बहू अलका, बातों बातों में, प्रेम विवाह, प्रेम विवाह, राम अवतार, राम अवतार, दासी, दासी, पेस्टन जी मैंने करना था. हाँ. क्योंकि लास्ट में उनका टाइमिंग वक्त चेंज हुआ. हमने पूरा रिहर्सल किए थे सभाना को लेकर, नसी को लेकर, एंड विजय भाई के साथ हमने बैठ कर बहुत बात की. और ऐसा हो गया, जब आई वाज सपोज्ड टू डू ए डॉक्यूमेंट्री विद मिस्टर ग्रीस करना, उन्होंने डेट लिए थे, इनका डेट चेंज हो गया. तो फिर अभी मैं क्या करूँ. और उन्होंने बहुत फेल्ट वेरी बैड, विजय भाई ने बहुत टोला आपके साथ, मैंने पूरा सेट किया था. Anyway, don't worry, I will tell someone else to come and do it. तो ये मैंने नहीं कर पाया. तो ये फिर डॉक्यूमेंट्री, फिर दासी, तेलुगु में दासी, एंड दीक्षा. अरुण कौल साहब से मेरा बहुत अच्छा परिचय था, बहुत मुझे बहुत स्नेह करते थे. मैं दादा कहता था, वो यहाँ पर भोपाल दीक्षा के समय आए थे. मेरा अच्छा अटैचमेंट रहा उससे, हम लोग लंबी बात करते थे. तो वो एक, तो फिर मैंने डायरेक्शन जब गया 91 में, तो मैं चाहता था आई यूज टू ऑब्जर्व छोटे बजट की फिल्म. हाँ. के वजह से लोगों को कितना तकलीफ से लोग करते थे, और एक आइडिया मिलता था जो ये बिकॉज हमारा बजट इतना कम है, हम इंटरनेशनल फील्ड में हम हमारे फिल्म के साथ दूसरे फिल्म के साथ हम कम्पीट नहीं कर पाते. हाँ. तो मैंने सोचा ये तो सब आई डेंट एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट छोटा बजट है इसलिए हम कम्पीट नहीं कर सकते. क्योंकि इसके लिए हमको सोचने का ढंग ही आपको पता होना चाहिए, और किस तरीके से, किस डिसिप्लिन से, किस एटीट्यूड के साथ आपको करना है वो थोड़ा सा आपको जानना चाहिए. तो मैंने इसके लिए मैंने एक सब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया बेस्ड ऑन ए शॉर्ट स्टोरी. महापात्र नीलमणि साहू, ही इज़ अ राइटर इन ओडिशा, वेरी वेल नोन राइटर. उनका दो तीन पेज का स्टोरी को मैंने लिया, फिर मैंने उसको डेवलप किया और स्क्रीन एडाप्टेशन कर लिया. और मैंने एक लोन लिया NFDC से. लोन के दे सेंक्शन लिटल मोर देन व्हाट आई हैड आस्क्ड फॉर. एंड मैंने मगर वो एक्स्ट्रा जो अलाउ कहते हैं आई डिडंट टेक इट. तो बोले अरे आपका लोन सेंक्शन हुआ है, आप क्यों नहीं लेते हैं. मैंने कहा मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं सच्चाई से मैं एक फिल्म बनाऊं जो जितना मिनिमम बजट में मैं बना सकता हूं, क्योंकि ये मेरा चैलेंज है, मैं खुद अपने ऊपर चैलेंज ले लिया हूं. तो बोला फिर मैंने उसी को लेकर उस सब्जेक्ट को मैंने पूरा स्केच किया. लोकेशन पर जाता था, आर्टिस्ट को जैसे नीना गुप्ता सी एक्टर एंड मोहन गोखले आदि मानसा. तो उसके साथ दूसरे सब नया उड़ीसा के एक्टर को मैंने लिया. और उनको इस तरह से मैंने सिलेक्ट किया बिकॉज आई वॉज यूजिंग देयर नेचुरल प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस. तो ऐसा कुछ मुझे एक्टिंग के वजह से जो लेना है वो मैंने इस तरीके से मैं उनको सिलेक्ट किया जे दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ वेरी स्पॉन्टेनियसली एंड वेरी पोटेंटली. तो मगर नीना गुप्ता उनको ओडिया का कुछ पता नहीं था,
तो मैं बोला आपको उड़िया थोड़ा सा बोलना है, तो कहला यस मैं बता दूंगा, मैं ये कर लूँगा। तो ठीक है आपने, मैंने उनको डायलॉग्स किस तरीके से बोलना है कैसेट पे, मेरे वाइफ सी स्पोक द डायलॉग्स देन आई गेव इट टू हर फॉर 3 months बिफोर। एंड आप सुनते जाइए ये डायलॉग को, जब आप दूसरे शूटिंग में जाते थे जब आपको फ्री मिलता है आप सुनते जाइए, और सुनते सुनते आपको डेफिनेटली आपका एक आइडिया मिल जाएगा। इस तरीके से मैंने किया शूटिंग, लोकेशन में गया, कौन सा शॉट कौन सा वक्त किसी टाइम फ्रेम का अंदर लेना है वो भी मैंने कैलकुलेट करके रखा, वर्कआउट तो पूरा था। और फिर मैंने शूट किया, शूट करके तो पता लगा मुझे जब मैं 14 दिन में फिल्म खत्म शूटिंग फिनिश्ड हो गया, तो मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे असिस्टेंट आकर बोलते सर शूटिंग इज ओवर, व्हाट छोड़ तो नहीं गए कोई सीन। फिर मैंने स्क्रिप्ट देखा, सब ये हो गया, तो फिर फिल्म कंप्लीट हुआ। देन फिल्म गॉट द प्रेसिडेंट्स अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, देन इट गॉट द बेस्ट सिनेमाटोग्राफी अवार्ड, देन द फिल्म वॉज इन्वाइटेड टू टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन द बेस्ट ऑफ एशियन सेक्शन, देन इट गॉट अवार्ड इन केरला। दैन अरविंदन जो डायरेक्टर थे उनका मौत होने के बाद उन्होंने एक अरविंदन अवार्ड शुरू किए, और पहली दफा फर्स्ट टाइम दिस इज द फर्स्ट अवार्ड इट गॉट अरविंदन अवार्ड अरविंदन से। तो इस तरीके से एक मुझे आभास मिला कि हम छोटे बजट के लिए हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, और वो मेहनत किस तरीके से करना है और किस विथ एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सिनेमेटिक नेचर, उसी का साथ आपका डिसिप्लिन का संपर्क होना चाहिए। तो ये डिसिप्लिन खाली नहीं किसी माने पॉइंटलेस डिसिप्लिन नहीं है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। जो सिनेमा का किस तरीका किस ढंग से आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं और ये डिसिप्लिन किस तरीके से उसको फॉलो करना चाहिए, तो इस तरीके से मैंने किया। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट फिल्म बनाया लावण्य प्रीति, तो ये बचपन बच्चों के लिए मैंने हमने बनाया जी जी। तो हमने जब फिल्म को स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो मिस्टर जैसे जया बच्चन उस टाइम पे थे चेयरमैन, उन्होंने बताया दी व्हाई डोंट यू डू ए फिल्म फॉर चिल्ड्रन, तो ठीक है मैंने ये फिल्म 2 पेज का एक शॉर्ट स्टोरी था, अगेन वही महापात्र निर्मल साहब, उसको मैंने डेवलप किया स्क्रीन वर्सन के लिए, फिर मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने बहुत दुख लगा, मैं किस वजह से रिजेक्ट किए, मैंने इतना मेहनत किया हो, उसके स्केचेस भी बनाए हो। तो मैं मिसेस बच्चन से जया बच्चन से बात किया, तो उन्होंने बोला जो जो कमेटी देखा है वो उन्होंने रिजेक्ट किया। मैंने कहा कैन आई मीट देम, कहला नहीं उनको मिलना इतना आसान नहीं है, मतलब दे डोंट लाइक टू मीट, आई वॉन्ट टू नो व्हाट्स द एग्जैक्ट रीज़न। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने संभाव दिया अरेंज ए मीटिंग, फिर मैंने उनसे मिला, उनसे बात किया, उनको मैंने पूरा जो किस ढंग से मैं बनाना चाहता हूँ उसका स्टाइल ऑफ शूटिंग द स्टोरी दैट व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इट इज़ देयर सब मैंने बताया। तो उन्होंने नहीं बनाइए तो वो बोले दे टोल्ड दैट देयर इज नो स्टोरी इन द फिल्म। तो मेरा कहना है मतलब स्टोरी ऐसा कुछ प्री कंसिप्ट आइडिया जैसा हम सोचते हैं जो सुनते हैं स्टोरी, ये स्टोरी समटाइम्स नॉट नेसेसरी दैट इट हैज टू बी देयर इन द सिनेमा। यू डेवलप ए स्टोरी, यू एक्चुअली इवॉल्व ए स्टोरी। जब आपको विजुअल सेंसिबिलिटी के साथ आप देखते हैं तो उसमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्स एंड देन यू अल्टीमेटली डेवलप ए स्टोरी। तो इस तरीके से मैंने बनाया। तो फिल्म फिर एक लड़का को ढूंढने के लिए मुझे कितने मेहनत करना पड़ा, क्योंकि जब लड़का का एक कैरेक्टर चाहिए था और वो उस कैरेक्टर को एक सर्टन इनोसेंस का लड़का के अंदर होना चाहिए, एट द सेम टाइम सम वेरी एडवेंचरस माइंड होना चाहिए, क्योंकि वो खुद चाहता है एक्सप्लोर करने के लिए, और पढ़ाई में इतना नहीं अच्छा नहीं था इसलिए उसका फादर वॉज वेरी मच एनॉयड विथ हिम। बट वो उसका दूसरा तरीका, उसका सेंसिटिविटी था जो वो नेचर के साथ उसका काफ़ी संपर्क था, वो कुछ कुछ थोड़े से पोएम भी लिख देता था 2-3 लाइन का अपने हिसाब से। तो उसके लिए मैंने ढूंढने के लिए मैंने कितना मेहनत किया। तो बॉम्बे में बोला अरे क्यों आप इतना मेहनत करते, एक लड़का ले लीजिए थिएटर में है
आपको सब बहुत अच्छा मिलेगा. मतलब आई एम नॉट लुकिंग फॉर ए वेरी पॉलिश्ड एक्टर. आई वॉन्ट ए रॉ बॉय, कम्प्लीटली रॉ, कम्प्लीटली इनोसेंट, बट आई वॉन्ट टू प्ले विथ हिम ए फॉर दैट रोल. तो फिर मैंने उड़ीसा गया, उड़ीसा से ढूंढा, लगभग 1500 लड़का देखा मैंने स्कूल में जाकर. अल्टीमेटली एक छोटा स्कूल में ये लड़का को मैंने ढूंढा. उसको जब मिला वो कह रहा मैंने तो कभी एक्टिंग ही नहीं किया हूँ, कभी स्टेज भी नहीं गया हूँ, तो मैं मगर मैं कल एक्टिंग करूँगा. फिर मेरे पेरेंट्स से परमिशन लेते. फिर मैंने पेरेंट्स से मिला तो पेरेंट्स लोग ने थोड़ा हेजिटेंट थे, दे आर वेरी कंजर्वेटिव. तो बोले ये वो तो आपका फिल्म को सत्यानाश बना देगा, कुछ उसको पता नहीं, उसको आप लेकर क्या करेंगे. तो मैंने उनको फिर बताया कि देखिए आप पेरेंट्स होते हुए आप उसको सपोर्ट करेंगे तो मैं उसको गाइड करूँगा, आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो ठीक है मैं चलता जाऊँ. तो फिर उनको थोड़ा लगा सा, तो बोला ठीक है आप सपोर्ट करेंगे. तो ये 3-4 महीने अभी है हाथ में, आप उसको थोड़ा सा देखिए क्या डिसिप्लिन में वो फॉलो करता है. मैं उसको कुछ डिसिप्लिन दिया, सुबह उठते हैं तो क्या करना चाहिए, स्कूल जाते हो तो किस तरीके से आपका कोलिग के साथ बात करना चाहिए, टीचर को किस तरह से आप देखते हैं, हाउ यू लिसन टू द टीचर, हाउ यू क्वेश्चन द टीचर, एंड जब घर आ जाते हो फिर घर में सोते वक्त फिर क्या करते हो, ऐसा कर कर दिया. और जब 3 महीने के बाद मैंने गया शूटिंग करने, मैंने उसको जब देखा वो तो खुद डिफरेंट चाइल्ड हो गया है. वो बोलता है आप बताइए आप कौन सा सीन करना है, क्या सीन, तो इस तरह से बताया. तो मैंने ज़्यादातर के उसको मैंने डायरेक्शन ऐसा मत कुछ खास डायरेक्शन नहीं दिया, खाली उसको टेक्निकली ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ. तो मैं उसको खाली एंगल पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ यू शुड कीप योर फेस, व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन यू शुड मेंटेन इन दैट काइंड ऑफ थिंग. तो ऐसा किया, तो ऐसा फिल्म तो हो गया. फिर हमने उसको फेस्टिवल में सिलेक्ट हुआ, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में. तो इसमें द फिल्म रिसीव द इंटरनेशनल जूरीज क्रिटिक्स अवार्ड. देन द फिल्म ऑल्सो गॉट इन्वाइटेड टू बर्लिन. बर्लिन से लोग आए थे वो देखे फिल्म, तो दे इन्वाइटेड टू बर्लिन फेस्टिवल इन द कम्पिटिशन इन द चिल्ड्रन सेक्शन. लास्ट में उनका एक अवार्ड था, जब अवार्ड देते थे तो एक अवार्ड जो क्रिटिक्स सोचते हैं कि दिस इज समथिंग स्पेशल. तो वो कोई भी हो सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, एडिटिंग भी हो सकता है, म्यूजिक भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है, एक्टर भी हो सकता है. लास्ट में अनाउंस किया वो लड़का पाया इंटरनेशनल बेस्ट चाइल्ड एक्टर अवार्ड. उसके पेरेंट्स आकर रोने लगे मेरे सामने. मैं कहा देखिए आप खुद अपने बच्चे को भी समझ नहीं पाते हैं उनका अंदर क्या है. दिस इज अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, द ह्यूमन फैक्टर जो अंदर है वो बहुत से लोग समझते नहीं हैं. और वो आप समझते हैं तो आप यू आर ए डिफरेंट ह्यूमन बीइंग. तो ये सबसे बड़ा चीज मैंने जो कहना चाहता था. फिर आपने मैंने तो बताया बनाया अरण्य का बनाया, देन शेष दृष्टि बनाया, देन नंदन बनाया, बाजा बनाया, देन हमारी बेटी बनाया, देन ऑफ कोर्स देन देयर इज अ गैप इन बिटवीन व्हिच आई हैव रिटन अबाउट 3 स्क्रिप्ट्स which I want to do, but then unless until I get the right kind of a financer, you don't feel like doing a film for the heck of it. So sochta hu bhagwan ki daya se kuch hoga to bana. Ye ek pura ek vatavaran jo pichli sadi ke aakhri 20 saalon mein 80s 90s mein jo pura aap aur aapke contemporary filmmaker aapne un sabke saath bhi kaam kiya, एक वो पूरा वातावरण जो अब हम इस समय नहीं देख पाते. हाँ वो अकेले ये हुआ है. एक तो जो सोशल कैरेक्टर हैज ऑल्सो चेंज द सोशल कैरेक्टर इन द सेंस बिकॉज जो उस टाइम मतलब फिल्म मेकिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द सोशल कैरेक्टर ऑफ द सिचुएशन. एंड उसमें जब कुछ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो मिलते हैं उसमें लाइक द मोरल फैक्टर्स, द मोरल फैक्टर ऑल्सो हैड गॉन थ्रू अ डिफरेंट काइंड ऑफ ए आउटलुक. तो उसी के वजह से द काइंड ऑफ पेशेंस पीपल यूज टू हैव, आजकल पेशेंस नहीं है. तो लोग चाहते हैं कैसे क्विकली कुछ बना सकते हैं, हर चीज़ का भाव ऐसा है क्विकली कुछ बना सकते हैं. और टेक्नोलॉजी हैज कम इन सच ए मैनर दैट इट इज़ अ ट्रेमेंडस